वेलकम बैक स्टूडेंट, नए न्यूमेरिकल के साथ हैं। पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने जो डबल स्फीयर का न्यूमेरिकल किया था उसमें दोनों स्फीयर इंक्लाइन प्लेन पर थे। यहाँ पर मैंने उसको किसी एक रेक्टेंगल में रखा हुआ है। इस रेक्टेंगल का जो विड्थ है 90 सेंटीमीटर है। दोनों स्फीयर सिमेट्रिक हैं, सेम साइज़ के हैं और सेम वेट के हैं। दोनों का वेट है 1000 न्यूटन और दोनों का जो रेडियस है 25 सेंटीमीटर। हमें तीनों जो भी कॉन्टैक्ट है उन सब पर क्या करना है, मैं रिएक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने वही फ्री बॉडी डायग्राम से। तो देखिए, इस ई में ड्रॉ करेंगे तो इसका वेट हो जाएगा नीचे डब्लू, और ये दो जगह कॉन्टैक्ट में है। एक तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आर सी, आपको दिख रहा होगा क्लियर, एक रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन यहाँ कॉन्टैक्ट में है और ये दोनों के सेंटर से पास करता हुआ जाएगा। तो इसको इस तरीके से हम मिला देते हैं और ये एक रिएक्शन निकल गया आर डी, और इसी के लिए ये रिएक्शन इधर आ जाएगा और वो हो जाएगा आर डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो स्फीयर एफ है उसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए, इसका वेट नीचे की तरफ W, लेकिन एक कॉन्टैक्ट B पर है, इसे भूलना नहीं है। तो यहाँ से रिएक्शन निकलेगा ऊपर की तरफ और वो हो जाएगा आर बी, और एक रिएक्शन निकलेगा इधर से, वो हो जाएगा आर ए। ठीक है, मैं आप इस फिगर को क्लियरली बाहर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाए। मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कम से कम टाइम कंज्यूम करें। ठीक है, चलिए तो दोनों पॉइंट को बाहर ड्रॉ करते हैं, एफ और ई को। तो सबसे पहले पॉइंट एफ बना लेते हैं। हमने एफ बना लिया, इस पर वेट नीचे की तरफ, यहाँ पर W लग रहा है। अब यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन से मिला करके पॉइंट E को बना दे रहा हूँ और ये पॉइंट F है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये रहा W और इसी लाइन में हमारे पास है RD, और इसी लाइन में हमारे पास है यहाँ पर भी RD, और यहाँ पर एक फोर्स है हमारे पास RC, इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए, इस पॉइंट के लिए तो सारे फोर्स आ गए। इस पॉइंट पर एक दो तीन, तीन तो कॉन्टैक्ट है और एक इसका वेट है। एक कॉन्टैक्ट ऊपर जा रहा है, वो उसकी वैल्यू है आर बी, और यहाँ से एक निकला हुआ है, ये है आर ए, और यहाँ पर एक दो तीन चार फोर्सेस हमारे पास आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड करने की ज़रूरत है। तो देखिए, एक एंगल तो यहाँ से हमें कैसे पता चल पाएगा, हमें ज़रूरत है, अगर यहाँ मैं लामिस थ्योरम लगाना चाहूँ तो हमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, ये एंगल थीटा होगा मान लीजिए। अब इस एंगल को, थीटा को पता करना है तो देखिए, एक ट्रेंगल बन रहा है, इस लाइन को आगे बढ़ाइए ज़रा। तो ये ट्रेंगल एफ ई, और इसको पॉइंट मैं एम कह दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ट्रेंगल को बाहर नीचे बना दे रहा हूँ ताकि आप इजिली फाइंड कर सके। ये रहा एफ, ये रहा एम, और ये रहा ई। देखिए, अब देखिए ये डिस्टेंस कितना है, ये है 25 रेडियस इसका, ये इसका रेडियस, ये कितना हुआ 25, तो 25 25 टोटल 50 हुआ। टोटल में से 90 में से 25 इधर माइनस करो, 25 इधर माइनस करो, कितना बचा 40, यानी ये जो एफ एम होगा वो 40 हो गया। फिर से समझिए, टोटल ये डिस्टेंस 25 माइनस कर दिया, ये डिस्टेंस 25 माइनस कर दिया, बचा कितना 40 यहाँ लिख दिया। अब देखिए, ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है, दोनों रेडियस मिल रहा है, कितना हो गया 25 प्लस 25 50, ये हो गया 50। हमें एंगल कौन सा पता करना है, ये देखिए, ये थीटा है ना, ये पता करना है, यानी कि यही एंगल होगा। अब यहाँ पर इसको थीटा एंगल लिख लेते हैं। अब हमें दो साइड पता है तो एंगल पता चल सकता है। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो जाहिर सी बात है ये रहा परपेंडिकुलर, तो ये कौन बन गया, ये हो गया बेस। अब जिसमें बेस और हाइपोटेनस है वो लगाइए, कॉस लगाना पड़ेगा, तो हम लगा देते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 50, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब अगर ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, इसी तरीके से अगर हम करें साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 30 आएगा, साइन थीटा लगाएंगे दिया आ जाएगा, है ना। आप चाहें तो कैलकुलेटर से यहाँ से कॉस इनवर्स करके थीटा के एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, लामिस थ्योरम लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए एंगल आ चुका है हमारे पास, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे, कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लामिस थ्योरम लग सकता है यहाँ से। अब लामिस थ्योरम लगाने के लिए हमें ये टोटल एंगल पता चल जाएगा, ये एंगल पता चल जाएगा और ये एंगल पता चल जाएगा। लामिस थ्योरम आप कैसे लगाएंगे, मान लीजिए ये क्या होगा, आर सी अपॉन इक्वल टू आर डी अपॉन इक्वल टू डब्लू। आर सी जब लगाएंगे तो आर डी और डब्लू के बीच का एंगल लगाएंगे,
ये लामिस थ्योरम मैं पिछले कई न्यूमेरिकल्स आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप नए हैं इस लेक्चर में तो आप पिछले न्यूमेरिकल को देखिए और चेक कीजिए किस तरीके से मैंने लामिस थ्योरम वहाँ पर अप्लाई किया है और फिर हमने सॉल्व किया उसको, है ना। वीडियो को बिना ज़रूरत के लंबा करना अच्छी बात नहीं है, है ना। तो आप पिछले लेक्चर से क्या कर सकते हैं, लामिस थ्योरम सीख सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर आर सी और आर डी की वैल्यू आ जाए तो इस पॉइंट पर सॉल्व करना स्टार्ट करिए। देखिए ये डॉटेड लाइन बढ़ाइए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। मान लीजिए ये आता है 31 डिग्री तो ये भी 31 डिग्री। अब इसमें चार फोर्सेस हैं आर ए, डब्लू, आर बी और आर डी। चार में लामिस थ्योरम नहीं लगता, तीन में लगेगा। तो चार में लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई करने के लिए आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा एक्स और वाई में, और तीन ऑलरेडी एक्स और वाई में हैं। सिर्फ और सिर्फ आर डी को इधर अपने राइट में और इधर लेफ्ट में रिजॉल्व करना है, कॉस थीटा और साइन थीटा कंपोनेंट बनाना है और सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई लिख लेना है। पिछले न्यूमेरिकल में बहुत डिटेल में मैंने समझाया है किस तरीके से इक्वेशन बनती है। इक्वेशन बनाइए और सॉल्व करिए और ये आंसर आप फाइंड करिए, ठीक है। आप खुद से ट्राई करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्ज़ाम में, तभी आप इजीली ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।